बीजेपी के पास ही अब भाग रहा है और इन लोगों की साजिश रही है। ये लोग भाजपा के लोग तो शुरू से ही आरक्षण विरोधी लोग रहे हैं, बिना आरक्षण के चुनाव ना कराएं। अति पिछड़ा समाज का आरक्षण के साथ ही जो है चुनाव होना चाहिए। अरे भाई, किसी को कोई मना ही थोड़ी ना, कोई भी कहीं भी जा सकता है। क्या हालत यहाँ बिहार में टाइट है। नाम प्रत्युष से आप एनबीसी 24 देख रहे हैं। देखिए, नगर निकाय चुनाव पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। हाईकोर्ट के रोक लगाने के बाद लगातार जो है बीजेपी बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हमलावर है, तेजस्वी यादव पर हमलावर है। वहीं आपको हम बता दें कि आरोप और प्रत्यारोप का जो दौर है वो काफ़ी तेज है। बीजेपी ने जहाँ इसके लिए सीधे तौर पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव को जिम्मेदार ठहराया है, वहीं सत्ताधारी दल आरजेडी इसे बीजेपी और केंद्र सरकार की साजिश करार दे रही है। उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा है कि बीजेपी शुरू से ही आरक्षण विरोधी है, बीजेपी गरीब विरोधी है, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है। हमारी मांग है कि बिना आरक्षण के चुनाव ना कराई जाए। बिहार में नगर निकाय चुनाव आरक्षण के साथ ही होना चाहिए। हाई कोर्ट से जो फैसला आया है, क्योंकि अब चुनाव को टाल दिया है, यहां पर एक बात समझने की जरूरत है। इससे पहले तो बीजेपी के पास ही अब भाग रहा है और इन लोगों की साजिश रही है। ये लोग भाजपा के लोग तो शुरू से ही आरक्षण विरोधी लोग रहे हैं, तो ये बात तो अब सामने आई है। कोर्ट का जो आदेश है उसको देखते हुए हम लोगों की तो चाह ये है, कामना ये है कि बिना आरक्षण के चुनाव ना कराएं। अति पिछड़ा समाज का आरक्षण के साथ ही जो है चुनाव होना चाहिए। साजिश आपको लगता है? ये भाजपा तो है आरक्षण विरोधी, गरीब विरोधी भाजपा है, उसमें कोई डाउट नहीं। दरअसल बिहार आर्ट थिएटर कालिदास रंगाले द्वारा आयोजित श्री रामलीला में शामिल होकर तेजस्वी यादव ने युवा कलाकारों का उत्साहवर्धन किया। इस मौके पर मीडिया से सवालों का जवाब देते हुए उन्होंने यह बातें कही। तेजस्वी यादव ने कहा कि बीजेपी के लोग शुरू से ही आरक्षण विरोधी हैं और कोर्ट का आदेश को देखते हुए हम लोग चाह है कि बिना आरक्षण का चुनाव न कराएं। तेजस्वी ने कहा कि आरक्षण के साथ ही चुनाव होनी चाहिए। भाजपा तो आरक्षण विरोधी है, गरीब विरोधी है, इसमें कोई किंतु परंतु की बात नहीं है। वहीं जेपी के जयंती पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के सीताब दियारा दौरे पर उन्होंने कहा है कि किसी को कोई मनाही नहीं है, कोई भी कहीं भी जा सकता है। वो जान रहे हैं कि बिहार का हालत टाइट है, अभी से जो करना है कर ले। 11 तारीख को इस बार फिर भाई, किसी को कोई मना ही थोड़ी ना, कोई भी कहीं भी जा सकता है। वो जान रहे कि हालत यहाँ बिहार में टाइट है, अभी से अपना काम कर रहे जो उनको करना है। जो हाईकोर्ट वहीं अमित शाह जब बिहार आ रहे हैं तो उन्होंने कहा है कि बिहार का हवा जो है वो टाइट है। वहीं नगर निकाय चुनाव पर उन्होंने आपने सुना कि क्या कुछ कहा है। उन्होंने साफ तौर पे उन्होंने कहा है कि जो बीजेपी है वो गरीब विरोधी है, उन्हीं के सरकार में जो है ये विभाग जो था वो उन्हीं के पास था, आरक्षण जो है उस पर काम होगा। आपने सुना कि बिहार के मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव क्या कुछ कर रहे थे। इसी तरीके का तमाम अपडेट्स के लिए आप NBC24 के साथ बने रहें। बहरहाल वीडियो आप हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे थे तो हमारे पेज को लाइक फॉलो कर ले, वीडियो यूट्यूब पर देख रहे थे तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। बहुत